हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो किशोर गोस्वामी ब्लॉग्स। तो गाइज आज हम एक लोकेशन पे आए जहाँ पे एक गुजराती सॉन्ग का जो वीडियो शूटिंग होने वाला है और यहाँ पे हम आपको सब कुछ दिखाएंगे किस तरीके से जो शूटिंग होता है कैसा नहीं, है ना चिंटू? हाँ, और यहाँ पे राहुल भाई के साथ हम आए। राहुल भाई अभी सेटअप तैयार कर रहे हैं और वो पीछे झाड़ियों में है, शायद आपको नहीं दिखाई देते होंगे। बड़ा हरामी हो बेटा, और बहुत टाइम से हमने व्लॉग वीडियो डाला ही नहीं, है ना चिंटू? क्या सिचुएशन क्या हुई हमारी? सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मेरा खुद का वो बिजनेस चालू करने वाला है, भी उसमें बड़ा हुआ। किशन भी अभी फ्री नहीं है क्योंकि सॉन्ग अभी वो रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है, तो फिलहाल हम दोनों फ्री नहीं है। तो प्लानिंग बहुत सारी है, बहुत जगहों पे घूमना तय भी कर चुके हैं, बट ये सब प्रॉब्लम है। और आईफोन 15 भी हमने जो ऑर्डर कर लिया ना, उसमें तो इससे भी ज्यादा और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वालिटी आएगी, वीडियो क्वालिटी अच्छा आएगा। हाँ, तो हमने दोनों ने आईफोन 15 न्यू ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा कुछ वन वीक। कल ही लॉन्च हुआ ना? कल ही लॉन्च हुआ था और आज हमने कर दिया है। और देखते हैं वीडियो किस तरीके से शूटिंग होता है, हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं ना शूटिंग में। वैसे बहुत जगह पे जा चुके लेकिन शूटिंग में ऐसा करीब से देखने वाला सीन आज ही फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे साथ, हम दोनों साथ में। और चिंटू का भी देखो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे हालत बहुत बुरी हो गई है, बहुत बुरी, मतलब इतना टेंशन में रहता है, हम मिल भी नहीं पाते, दोनों मिल भी नहीं सकते इतना, मतलब वो बिजनेस एक महीना हो गया, एक महीना हो गया शायद, एक मंथ, वन मंथ हो चुका है। और हमारी चैनल जो हाफ मोनेटाइज हुई है, पूरा मोनेटाइज नहीं हुई, मतलब पैसे कमा सके उतना नहीं, लेकिन अब सब लोग जो स्पेशल थैंक्स सुपर चैट वगैरह करके हमें पैसे भेज सकते हो, ऐसा किसी को करना है तो कर सकता है। बात सही है, हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हमें भी क्या ना हर जगह पे घूमना पड़ता है तो वो पैसा लगता है, तो थोड़ा पैसा आए तो हम अच्छे से घूम सके और आप लोगों को दिखा सके। बट हो सके तो इतना जरूर से कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, लगता है कोई करेगा नहीं बट कह दिया है, कह दिया लगता है तो। हाँ, तो ये एक है और बहुत बातें हो गई, करीब 2 मिनट हो चुकी है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। बेटा जज्बात और बोनर जितना दबाओगे उतना बाहर आएंगे। तालाब बहुत अच्छा नजर है ना, बहुत ही अच्छा नजर है। और यहाँ पे कैसा भाई, हवा ठंडी आ रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम। और यहाँ पे कौन लोग आते हैं ज्यादातर? कपल लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पे। थोड़ा जूम करूँ? वहाँ पे जूम कर दिखता है, नहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे भी बिकते हैं नीचे, यहाँ पे कहाँ कोई बैठा नहीं है, नहीं अभी नीचे दिख रहा, मुझे लगा अभी कोई बैठा है। और यहाँ पे देख साफ सुथरी जगह है ना, इसलिए यहाँ पे समझ जाओ अब क्या होता है, क्या हो रहा है। आपको डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि ज्यादातर कपल लोग ज्यादा आते हैं और घूमने के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है, ब्लॉग बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे शूट भी अच्छा कर रहा है, यहाँ पे राहुल भी आ गए शूट के लिए, बढ़िया नजारा है। क्या है कि
नजर अच्छा है इसलिए यहाँ पे आ गए हैं दोनों, किशोर भाई और हम दोनों। चलो अभी जाए वहाँ, वहाँ पे जाते हैं। चलो चलो। A few moments later. तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड पे जो शूटिंग चल रहा है, और वो कोई ये लड़का है वो अभी देखा हमारी तरफ कि ये दोनों पागल क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा भी शोर भी नहीं कर सकते, शोर नहीं कर सकते क्योंकि उनको डिस्टर्ब ना हो, हो जाए। हाँ, तो वहीं चुपचाप हम खड़े रहे, शूट कर रहे हैं। देखो राहुल भाई शूट कर रहे हैं, वो जो ऐसे गूंछे गूंछे बाल वाले हैं ना, वो हाँ, ब्लैक टी शर्ट वाले वो भाई, उनका नाम राहुल भाई है। और ये इनका भी शायद शूटिंग है, ये पता नहीं उनका एग्जैक्टली क्या है, बट अभी शॉट खत्म हो गया है, वो लोग एक बार देखेंगे क्या हुआ कैसा हुआ है ना। और बस बहुत ही साइलेंट माहौल है फिलहाल, और देखते हैं आगे क्या होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों ये है सिंगर, इनका ये सॉन्ग का शूटिंग करने हम आए थे। और कौन सा सॉन्ग है आपका? अम्मी माँ का सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे 10 दिन हो गए, आज लिपसिंग चालू है, लिपसिंग और इनका व्लॉग है, और उसमें मैं आई हूँ। थैंक यू सो मच आपको। जिंदगी हो तो ऐसी हो। क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए ना ये वीडियो शूटिंग देखने, तो सोचा है कि व्लॉग बना लें। और यहाँ से अब गुजराती है तो हम मतलब गुजराती कंटेंट ज़्यादातर नहीं डालते, इसलिए ऐसा। और आपका नाम? रोशनी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? रोशनी। हाँ। और आपका चैनल है यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब चैनल। क्या नाम है? कॉमेडी चैनल है, और कॉमेडी भी चैनल है, रोशनी ऑफिशियल। तो रुको जरा, सबर करो। तो अब जाके गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा इनकी चैनल को, रोशनी ऑफिशियल करके इनका एक यूट्यूब चैनल है, वहीं पे बहुत बेहतरीन कंटेंट डालते हैं, और देखने में भी आपको काफ़ी मजा आएगा। थैंक यू। ओके। कैसा रहा राहुल भाई शूटिंग का? सर बस हमने वो एक लिप सिंग स्टार्ट कर दी, और एक सॉन्ग का जो फर्स्ट था ना लिप सिंग, वो हमने ख़त्म किया, और अभी कपड़े चेंज करके हम दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार। जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है। और अभी हाल फिलहाल में वो दूसरे सिंगर है, उसका भी सॉन्ग का लिप सिंग लेने का है, तो उसका हम स्टार्ट करते हैं। और आप ये जो कैमरा का सब कितने साल से कर रहे हैं ये सब? जो वो हम 2016 से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और ये कौन सा कैमरा है हमारे पास? वो सोनी का है, सोनी का 4K। 4K क्या मॉडल नंबर? Alpha 6600. तो इसमें बहुत ही अच्छे से जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, कभी होगा तो फ्यूचर में इसमें हम व्लॉग शूट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अच्छे से रिजल्ट आए। और जो लोग नहीं जानते हमारे, मतलब एक दो व्लॉग में राहुल भाई आ चुके हैं पहले भी, और इनका क्या आपके व्लॉग का नाम? व्लॉग चैनल गुज्जू स्टार ब्लॉग करके इनका एक गुजराती चैनल है, तो आपको गुजराती में ब्लॉग देखना है तो उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वो कैमरा क्यों तुम्हारे सामने देख रहा है? सब जानना है इस बड़वे को। कैमरे को क्या ना, इंसानों पे ज्यादा फोकस रहता है इसलिए। क्योंकि मैं हर टाइम कैमरे के सामने ही रहता हूँ ना, देखो फिलहाल ये वे, इसलिए शायद कैमरे को मुझसे प्यार हो गया होगा। बट वो तो आपका है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी चीज मुझे क्यों देख रही है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। A few minutes later, हमने अभी राहुल भाई को हिंदी सिखा दी है, इसलिए अब वो ट्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी नहीं आती। कोई बात नहीं, बीच में गुजराती बोल दे रहा, कोई बात नहीं। गुजराती में तो मजा आवे, बाकी ना इतना रफली मत बोलना, मतलब हिंदी में कोई वर्ड आ जाए गुजराती तो चलेगा ऐसा। वो तो तुम बाद में एडिटिंग के बाद हमको छोड़ोगे नहीं कि ये फंस गया सी है। वो तो कोई भी हो, हमारे हमारे ब्लॉग में कोई भी आए,
सबका ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम गुजराती में नहीं है, फर्स्ट टाइम है ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है राहुल भाई, ज्यादातर आप बोलेंगे तो आपको भी हिंदी आ जाएगी। राहुल भाई क्या ना हमारे साथ घूमे नहीं ना, इसलिए उनको थोड़ा और... लेकिन हमने हमको जाना है वहाँ पे हमको कोई भी चीजें ना प्रैक्टिस। किशु राहुल भाई क्या कह रहे थे पता है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कोई भी चीजें ना प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इनको प्रैक्टिस की जरूरत है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो आप करवाओगे इनसे प्रैक्टिस हिंदी में? क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? खुद प्रैक्टिस की बात करते और वही क्या बोले गुजराती बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, नहीं आप हमारे साथ घूमो, ब्लॉग बनाओ, आपको भी हमारे जैसा पूरा गुजराती बोल दो बंद हो जाए ऐसा सिखा देंगे है ना। और ये हेयर स्टाइल थोड़ी करना, ये कैसा वो मोर के पिंच होते ना उस तरीके का हो गया, बहुत बढ़िया लगता है मुझे, बाल बहु मोटा सारा रखूंगा क्या बहुत सारा लगते है, कोई बात नहीं ऐसा होता है होता है। हिंदी में ब्लॉग अच्छा रहता है, अभी ज्यादा शूट नहीं, नहीं तो सीन हो जाएगा, ये लोग गुजराती में बात करेंगे। स्टार्ट किए थे क्या हुआ? तकलीफ पड़ती थी क्या, मतलब दिक्कत क्या आती थी हिंदी बोलने में यार? बोलने में रनिंग वो शब्द तो आ जाता था, पर कुछ नया हो तो नया उसको हो हम तो समझा एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। सत्संग जाते हैं प्यारी, समझ गई। चिंटू को भी बहुत तकलीफ हुई थी आपका पुराने वीडियो, पुराने वीडियो देख लेना हमारा। तकलीफ जब तक जिंदा है तब तक रहेगी, डील करना सीख लो तकलीफ से, फिर जिंदगी आसान लगेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप है ना, ये बात याद रखना। नहीं नहीं मैं गुरु नहीं हूँ यार, अभी तो आपसे उम्र में मैं छोटा हूँ, आपका तो एक खुद का बच्चा भी है, मेरा कुछ नहीं है फिलहाल, इधर इधर नहीं है ना। पर कहीं पर तो होगा ना, कहीं पर तो होगा, बस इधर नहीं है सर। क्या हुआ भाई, कुछ काटा किसी ने? दुखी क्यों हो गया पर क्यों दुखी क्यों हो गया? क्या कर सब लोग वहाँ पे, अरे एक किसकी एक कमेंट थी, उनका जवाब देखते शायद। क्या कमेंट थी हमारे ब्लॉग में, किसी ने कमेंट की थी, हम कमेंट की थी, अभी दुखो देखते हैं क्या था नाम उनका था, बहुत ही गिरी बापू ऑफिशियल करके एक चैनल है, इन्होंने क्या लिखा है पढ़ तो, तो लोचा वाले से हिंदी बोलो। हाँ मेरे को अभी इतनी अच्छी इनकी कमेंट क्या थी, चिंटू मतलब लोचा वाले थे, वारते ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता ऐसा कहना है उनका। लेकिन मेरे को, मैंने कहा मेरे को अभी हिंदी ज्यादा हिंदी नहीं आती, नहीं बोल सकता हूँ लेकिन बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। लेकिन जितना बोलता है उतना भी काफी, यानी कि आपने देखा ना वीडियो में आगे, वो राहुल भाई वो लड़की कैसे बोल रहे थे उसको देख के, उससे तो बेटर, उससे तो बेटर, हाँ बेटर बोल रहा है चिंटू, ऐसा नहीं है भाई। गिरी बापू ऑफिशियल शायद वो भी गोस्वामी लगते है ना, गिरी बापू, ओम नमो नारायण बाप जी, जो भी हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कमेंट्स है देखो, मतलब पूरा एक अलग से क्यू एन ए वीडियो बनाएंगे, देख वो तो पूरा ऐसा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, फिर से नया क्यू एन ए बनाने वाले हैं हम, तो उसके अंदर सारी कमेंट्स आपकी जो पिक की जाएगी। इस वीडियो में जरूर से कमेंट कीजिएगा गाइज, आप वीडियो देखते हो यार कमेंट में कुछ कहते नहीं हो तो दिल से बुरा लगता है, जहाँ भी आते दिल से बुरा लगता है यार, क्या ना लेफ्ट साइड में राइट साइड में कहीं भी आता है पता नहीं, पता नहीं, बट दिल से बुरा लगता है आप कमेंट वमेंट नहीं करते हो तो। हाँ जैसे भी करने कमेंट करो, कुछ भी लिखो, बट हाँ जो मन में आए वो लिखो, बट कमेंट करो, ये इतना कहना है हमारा, ये आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हिंदी नहीं आवड़ते, जो पूछना है पूछो, हमारी लाइफ के बारे, हमारे बारे में जो कुछ जो लिखना है लिखो, बस कमेंट आनी चाहिए, यही है हमारा। और बस ये एंड करने वाले वीडियो का, बहुत बातचीत कर ली आपसे, क्योंकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से हमने बात नहीं की आप लोगों से, और बहुत मिस कर रहे थे हम ये ब्लॉग, क्योंकि
लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो उस काम में भी लगे रहते हैं हम दोनों, बस यही एक रीज़न है। और आगे से बहुत ही बेहतरीन व्लॉग आपको देखने को मिलने वाला है और चिंटू की ढेर सारी कॉमेडीज आने वाली है इसी वीडियो में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो में। तो अभी गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं वीक में एक बार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मोर आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय 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 टाटा गुड बाय गया, मजा आया।